चलिए देखिए, सैंपल पेपर क्लास ट्वेल्थ सेशन 2022-23 मैथमेटिक्स, इसमें सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे। दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वी एस ए ऑफ 2 मार्क्स ईच। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल च्वाइस दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक 21 है और एक उसका और है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। मैं आपको दोनों करके बताऊंगा, तो पहले मैं 21 का मेन क्वेश्चन करता हूं और फिर उसका और वाला करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 इसका मेन वाला पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13π/7। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि ये ITF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको मालूम है कि ITF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है, तो हम इसको सॉल्व करके एंगल निकालेंगे। तो ले लेता हूं मैं इसी को, साइन इनवर्स साइन 13π/7 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको। तो अब देखिए, ये साइन इनवर्स दिख रहा और ये साइन दिख रहा, तो अपन साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये जो एंगल आपको दिख रहा है 13π/7, ये साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए, तो आप साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट करके ये लिख सकते हैं। तो पहले मैं साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेता हूं कि क्या है। सेंस साइन इनवर्स एक्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 होती है। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से +90 के बीच में होती है, -90 और +90 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर क्लोज्ड इंटरवल। तो अब देखो 13/7 तो -90 और 90 से बाहर जाएगा, है ना, -90 और +90 के बीच में नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया ना, ये पाई बाय सेवन ही तो आपका ये 25 डिग्री के आसपास, उसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा, 90 इसके बाहर चला जाएगा, इसके अंदर नहीं आ रहा ना। तो इसको तो लिख सकते अपन इज नॉट इक्वल टू 13π/7, इसके इक्वल तो नहीं है वैल्यू। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आता। तो अब इसको अपने को आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ये साइन 13π/7 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2π-π/7। देखो इसको सॉल्व करके, एलसीएम 7 ले लिया आपने, 7 × 2 = 14π और ये -π, तो 13π/7 आ जाएगा। 13π/7 को 2π-π/7 लिख सकते हो आप, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो ये 360 - थीटा पढ़ेंगे इसको, आपको पता है 360 - थीटा कहाँ आता है, यहाँ आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ये 360 हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस प्लस होता है, ये साइन है, तो पहले माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया, उसके बाद 360 है तो इसमें नो चेंज, साइन का साइन, तो -sin π/7 हो गया। ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2π - π/7 को -sin π/7, या क्वाड्रेंट का यूज कर लिया। इसको आगे और ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -sin π/7 को साइन -π/7 लिख सकते हैं। देखो साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है, तो साइन -π/7 तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -sin π/7 हो जाएगा। अब देखो ये साइन इनवर्स से साइन को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये -π/7 साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएगा तब। तो -90 से बड़ा और 90 से छोटा, ये -π/7 किसके इक्वल आएगा, -π/7 कितने डिग्री का एंगल होगा करीब करीब, सेंस -π/7 इज इक्वल टू पाई को 180 रख दो, 180 को 7 से डिवाइड करो, तो ये -180/7 इज इक्वल टू 7 × 2 = 14, ये माइनस रहेगा, 7 × 2 = 14 कितना बचेगा, 4 × 7 = 35 -25 बचेगा, ये डेसिमल, 7 × 7 = 49 1 × 7 = 7, ये करीब करीब 25.71 डिग्री ऐसा कुछ आएगा, इतना आएगा -π/7 यदि अपन डिग्री में निकाल के देखे ऐसे ही अपने रेफरेंस के लिए, तो -25.71 डिग्री। देखो -25.7 डिग्री जो है -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है, तो अपन साइन इनवर्स साइन को एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका -π/7, बस यही आपका आंसर हो गया। इस
ITF या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई सेवन। देखो इसने एक एंगल की वैल्यू दे दिया, लेकिन ये एंगल हमेशा कहाँ आएगा, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आना चाहिए। ये वाला एंगल 13 पाई बाई सेवन इसके अंदर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको इज नॉट इक्वल टू लिख के आगे सॉल्व कर दिया, तो माइनस पाई बाई सेवन आ जाएगा इसका एंगल। क्वेश्चन नंबर 21 का और है, आपको कोई एक करना। प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज सर्जेक्टिव, एफ जो है वो एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, ऐसा प्रूफ करना। सर्जेक्टिव किसको कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं 1-1 को और सर्जेक्टिव कहते हैं ऑन टू को। ऑन टू फंक्शन आपको इसको प्रूफ करना है, वेयर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू इफ एन इज ऑड, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन ऑफ एन अपॉन टू इफ एन इज इवन। इस फंक्शन को आपको सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है, तो पहले ऑन टू प्रूफ करेंगे इसको, फिर आगे एक पार्ट और इसका। इज द फंक्शन इंजेक्टिव, क्या ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव मतलब 1-1 भी है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। तो पहले सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए बोल रहा, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, तो पहले अपन इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं। फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव को ऑन टू भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब देखिए फंक्शन को ऑन टू या सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक एलिमेंट y सपोज करते हैं सेकेंड सेट से, ये सेकेंड सेट से, सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, यहाँ पे f ऑफ x के प्लेस पे f ऑफ n है, तो f ऑफ n इज इक्वल टू y ले लेंगे और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे जो फर्स्ट सेट से आना चाहिए इस डोमेन से। ये डोमेन वाला सेट है और ये कोडोमेन वाला सेट। तो लेट y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट नेचुरल नंबर का है such that f of x is equal to y रहता है, तो यहाँ पे f of x के प्लेस पे f of n है, तो f of n ले लो, f of n is equal to y। अब इसमें वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x के प्लेस पे किसकी वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू निकालना, तो वो n की वैल्यू आपकी कहाँ से निकलना चाहिए, डोमेन मतलब फर्स्ट सेट से निकलना चाहिए। अगर फर्स्ट सेट से निकल गई तो ये जो फंक्शन है ये सर्जेक्टिव या ऑनटू हो जाएगा। एफ ऑफ एन की वैल्यू रखता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे दो केस दिए हुए एन के, एक ऑड के लिए दिया हुआ, एक इवन के लिए दिया हुआ, तो हम दोनों को लेंगे वन बाय वन। पहले ऑड वाला ले लेता हूं मैं, जब एन ऑड रहेगा तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या दिया, एन प्लस वन अपॉन टू, एन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई, यहां लिख दो इफ एन इज ऑड, करो इसको सॉल्व। यहां से आपको n की वैल्यू निकालना है, तो ये n प्लस वन इज इक्वल टू टू वाई हो जाएगा, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 को शिफ्ट कर दो इधर, n इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन। अब देखो n की ये जो वैल्यू आई 2y माइनस वन, ये आपके फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ये सेकेंड सेट नेचुरल नंबर। तो 2y माइनस वन, y की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखे आपने, 1 रखे यहाँ पे, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 नेचुरल नंबर आएगा, 2 रखेंगे y की वैल्यू नेचुरल वैल्यू, 2 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, मतलब आप y की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखेंगे तो n की आपकी नेचुरल वैल्यू ही आएगी। तो इसको लिखता हूँ मैं, बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट n फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y के ऑल नेचुरल नंबर के लिए n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन ऑन टू है या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है। तो ये हमने एक केस के लिए इसको चेक करें, जब n को ऑड लिए, अब n को एक बार इवन लेके भी कर लो, इफ n इज इवन, जब n इवन रहेगा तो f ऑफ n की डेफिनेशन क्या लेंगे आप, f ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन टू लेंगे, यहाँ पे f ऑफ n के प्लेस पे n अपॉन टू रख दो, ये हो जाएगा n अपॉन टू इज इक्वल टू y, यहाँ से भी आप n की वैल्यू, यहाँ पे मैंने n अपॉन टू रख दिया, n को इवन लेके यहाँ से n की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू टू वाई। अब यहाँ देखो y की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखो 1 2 3 4 5, तो आपको n की नेचुरल वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू 1 रखे आपने नेचुरल नंबर, 2 1 2 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 रखे तो 2 2 4 नेचुरल नंबर, 3 रखे कोई भी वैल्यू रख दो आप y की नेचुरल वैल्यू, y बिलोंग्स टू n है, तो आपको n की वैल्यू भी नेचुरल वैल्यू ही मिल रही, बिलोंग्स टू n For all y belongs to n। देखो हमने दोनों केस के लिए
जब n ऑड था और जब n इवन था, दोनों के लिए हमने प्रूव कर दिया कि n जो है वो फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि f इज सर्जेक्टिव फंक्शन, देयरफोर f इज सर्जेक्टिव को आप ऑन टू बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन। बस यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ लिख दो, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका। अब एक पार्ट तो हो गया इसका, अपन ने इसको सर्जेक्टिव प्रूफ कर दिए। अब ये दूसरा पार्ट पूछ रहा है इसका, इज द फंक्शन इंजेक्टिव, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का मतलब वन वन है, तो आप वन वन भी चेक कर लेते हैं इसको। फॉर इंजेक्टिव को वन वन कहते हैं, वन वन। तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं कि x1 x2 दो नंबर ले लेते हैं जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और उसके बाद में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रख के सॉल्व करते हैं, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, तो फंक्शन वन वन हो जाता है। या फिर x1 और x2 की दो वैल्यू ले लेते हैं, वो अगर इक्वल है तो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 की वैल्यू भी अगर इक्वल आ जाती है तो भी फंक्शन आपका वन वन हो जाता है। दो तीन डेफिनेशन थी, या फिर एक तरीका ये भी था कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की सेकेंड सेट के अंदर सिंगल इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर x के प्लेस पे n दिया हुआ है, तो मैं दो एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ, लेट n1 इज इक्वल टू 1, ये ऑड हो गया, एंड n2 इज इक्वल टू 2, ये इवन हो गया, एक नंबर ऑड ले लिया और एक इवन ले लिया। अब f ऑफ n1 की वैल्यू निकालो, f ऑफ n2 की वैल्यू निकालो, तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू n1 के प्लेस पे 1 रख दो, तो f ऑफ 1 ऑड हो गया। देखो 1 आपका ऑड है, तो यहाँ से जो डेफिनेशन लेना है आपको एफ ऑफ एन की ऑड वाली लेना है, एन इज ऑड, ये वाली एन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। अब आपने यहाँ पे एन के प्लेस पे वन रखी थी, इधर भी आप वन रख दो, वन प्लस वन अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे तो टू अपॉन टू वन हो जाएगा। एफ ऑफ एन वन की वैल्यू या एफ ऑफ वन की वैल्यू वन आ गया, वैसे ही एफ ऑफ एन टू या एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालो, एंड एफ ऑफ एन टू is equal to f of 2, ये जो 2 है ये even है, तो अब यहाँ से even वाली definition ले लो, n is even वाली, n upon 2 है, n upon 2, आपने यहाँ पे n के place पे 2, n2 के place पे 2 रखे, तो यहाँ भी n के place पे 2 रख दो आप, ये हो जाएगा 2 upon 2 is equal to 1, देखो f of 1 की value भी 2 आ गई, f of 2 की value भी 1 आ गई, मतलब दो different element की same image आ रही है यहाँ पर, तो ये function 1-1 नहीं है या injective नहीं है, इसको ऐसा लिखेंगे अपन, Clearly, 1 is not equal to 2. The n1 is not equal to n2, but f of 1 is equal to f of 2. देखो f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है और f ऑफ 2 की वैल्यू भी, ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल नहीं थे तो ये भी दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए था। f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, तो फिर ये फंक्शन इंजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है और ये इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट एलिमेंट है वन और टू, और दोनों की सेम इमेज आ रही है, सेम इमेज नहीं आना चाहिए वन वन फंक्शन के लिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज आना चाहिए, और एक एक ही इमेज उसकी आना चाहिए, सेम इमेज नहीं आना चाहिए। तो देयरफॉर एफ इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव या नॉट वन वन बोल सकते, ये फंक्शन वन वन नहीं, इंजेक्टिव नहीं है या वन वन नहीं। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, एक क्वेश्चन है, और सेकेंड पार्ट है इसका, एट व्हाट रेट इज द शैडो लेंथनिंग। देखिए एक मैन है 1.6 मीटर टॉल है, वो वॉक्स एट द रेट 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट, अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट लाइट है उससे वो दूर जा रहा है 0.3 मीटर पर सेकेंड की रेट से, और उसकी जो हाइट दी हुई है मैन की वो 1.6 मीटर है। एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, तो उसकी जो शेडो बनेगी उस शेडो की टिप जो है वो किस रेट से मूव हो रही है, उसका रेट बताना है आपको, मूविंग रेट। At what rate is his shadow lengthening? और उसकी shadow की जो length है वो किस rate से बढ़ रही है वो भी आपको बताना है, दो चीज़ calculate करना है। तो
सबसे पहले बैक फिगर बनाएंगे। मान लीजिए ये एक स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पर कोई लाइट है, ऐसा स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट बोल दिए इसको, ये स्ट्रीट लाइट है। इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो 4 मीटर है, यहां से यहां तक 4 मीटर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कोई मैन खड़ा है, ये 1.6 मीटर हाइट का मैन, 1.6 मीटर हाइट, इतनी हाइट है उसकी। अब वो क्या कर रहा है, ये स्ट्रीट लाइट है यहां पे 4 मीटर, अब इस स्ट्रीट लाइट से वो दूर जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए चलते चलते वो यहां तक आ गया, इस स्ट्रीट लाइट से दूर ऐसा चलेगा, तो इस स्ट्रीट लाइट से दूर वो 0.3 मीटर पर सेकंड के रेट से आगे जा रहा है, ऐसा दूर जा रहा है स्ट्रीट लाइट से। एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, उसकी शैडो किस रेट से मूव होगी, एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग, और उसकी जो शैडो बनती है, जैसे ऊपर से आप लाइट पड़ेगा तो यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसे शैडो बनेगी उसकी, तो उसकी शैडो किस रेट से बढ़ रही है। तो अभी मैन यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ से कुछ चलना शुरू किया उसने, कुछ डिस्टेंस पे आया यहाँ पे, अब यहाँ पे आने के बाद में उसकी शेडो इधर बनेगी, तो ये उसकी शेडो की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक उसकी शेडो की लेंथ, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ ये शेडो है, मान लीजिए उसकी इतनी शेडो बन रही, उसको शेडो बोल दो, ये शेडो है उसकी, ठीक है। तो ये शेडो की लेंथ किस रेट से बढ़ रही है, रेट इज हिज, एट वाट रेट इज हिज शेडो लेंथनिंग, उसकी शेडो की लेंथ ऐसी बड़ी होती जाएगी, उसकी शेडो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगा तो उसकी शेडो की लेंथ भी ऐसी बढ़ती जाएगी, तो किस रेट से वो बढ़ रही है, एक चीज तो आपको ये बताना, और दूसरी चीज एट वाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग, उसकी शेडो की जो टिप है, शेडो की टिप ये है ना, ये किस रेट से, जैसे यहाँ से चला होगा तो धीरे 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 उसकी शेडो आगे बढ़ती, उसकी टिप आगे बढ़ती चली गई होगी, ये किस रेट से मूव होगी, तो ये जितना रेट यहाँ से यहाँ तक रहेगा और जितना रेट यहाँ से यहाँ तक रहेगा दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो एक्स है, इसको अगर अपन एक्स बोल दें तो किस रेट से आगे बढ़ रहा है वो, 0.3 मीटर पर सेकेंड के रेट से आगे बढ़ रहा है, तो dx by dt हो जाएगा आपका 0.3 मीटर, dx by dt is equal to 0.3 मीटर पर सेकेंड, इतना हो जाएगा dx by dt अगर यहां से यहां तक की लेंथ अगर x है। अब मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी शेडो है, इस शेडो की लेंथ को y ले लेते हैं अपन, ये y ले लिया मैंने, तो ये शेडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इसकी लेंथ बढ़ रही है, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की अगर अपन y ले ले, ये हो जाएगा आपका dy by dt, ये dy by dt आपको कैलकुलेट कर, और ये dx by dt आपको गिवन है, तो ये जो टिप की जो लेंथ है, ये पहला वाला जो पार्ट है, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, उसकी शेडो की टिप किस रेट से मूव हो रही, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये dx by dt तो गिवन है, ये dy by dt निकालेंगे और ये दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये मूविंग रेट ऑफ द टिप ऑफ हिज शैडो आ जाए। पहले आपको ये dy by dt निकालना पड़ेगा, और ये dy by dt क्या रहेगा, रेट इज हिज शैडो लेंथनिंग, उसकी शेडो की जो लेंथ है वो किस रेट से लंबी हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, वो dy by dt अपने को पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसको ऐसा ज्वाइन कर दो आप, एक बड़ी ट्रायंगल बन गई आपकी और एक ही छोटी ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं फिर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी या डी, और इसको ई दे दो, यहाँ पे ई दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अब देखिए मूविंग रेट ऑफ टिप ऑफ हिज शैडो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, ये अपने को कैलकुलेट करना, मूविंग रेट ऑफ हिज शैडो is equal to dx by dt plus dy by dt, ये अपने को कैलकुलेट करना, is equal to question mark लगा, देखो ये शेडो की टिप है, ये ऐसे यहां से चला,
इससे दूर तो शेडो की टिप आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी यहाँ तक आगे, तो ये किस रेट से मूव हो रही है, तो उसके लिए अपन ये dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी तो अपने को गिवन नहीं है वाला, ये dy बाई डी टी निकालेंगे यहाँ से और इसको दोनों को प्लस कर देंगे, तो यही आपका मूविंग रेट ऑफ शेडो हो जाएगा, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन। उसके लिए dx बाई डी टी तो है अपने पास में, dy बाई डी टी निकालना। दूसरी चीज है आपको कैलकुलेट करना एट वाट रेट हिज शेडो लेंथनिंग, उसकी शेडो किस लेंथ से इंक्रीज हो रही है, ये उसकी शेडो है ये ऐसी इंक्रीज होती जा रही है, तो ये इस डिस्टेंस को अपन ने वाई लिए तो dy बाई डी टी हो जाएगा, ये भी अपने को कैलकुलेट करना है। लेंथनिंग रेट, लेंथनिंग रेट ऑफ हिज शेडो, ऑफ हिज शेडो इज इक्वल टू dy बाय डी टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लो, ये dy बाई डी टी ये है उसके शेडो का लेंथनिंग रेट, तो एक ये कैलकुलेट करना है और जैसे ये आ जाएगा इन दोनों को प्लस कर देंगे dx बाई डी टी को, तो ये मूविंग रेट ऑफ शेडो भी आ जाएगा। तो आप देखिए ये dy बाई डी टी कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक बड़ी ट्रायंगल दिख रही है ADE दिख रही है और एक ABC दिख रही है, तो यहाँ पर बड़ी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है, छोटी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है, बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और छोटी ट्रायंगल के अंदर भी ये वाला एंगल, ये दोनों कॉमन एंगल है, तो दो ट्रायंगल के अंदर अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल की सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो उससे अपने को x और y में एक रिलेशन मिलेगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dt की वैल्यू आ जाएगी, और dy by dt की वैल्यू जैसे ही आई उसमें अपन dx by dt की वैल्यू प्लस कर देंगे, तो ये दोनों चीज अपनी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं बड़ी वाली ADE और एक छोटी ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ले लिया ADE और ABC, इसका रीजन लिख देते हैं कि सिमिलर क्यों ले लिए अपन ने, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, दो एंगल इक्वल है, एक एंगल बताया मैंने आपको एक एक 90 डिग्री का एंगल है दोनों के अंदर, ये वाला और ये वाला और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो सेम रेशियो में होती है या प्रोपोर्शनल होती है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में लिख लो, देयरफॉर ये AD के करस्पॉन्ड्स AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू ये DE के करस्पॉन्ड्स BC, DE अपॉन BC इज इक्वल टू फिर ये AE करस्पॉन्ड्स टू AC, AE करस्पॉन्ड्स टू AC है तो AE अपॉन AC, ये सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, तो ये मैंने लिख दिया है AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन EC, इसको लिख सकते हैं आप चाहे तो बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एक CPCT होता था, CPCT आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में रहता है और यह है CPST, CPST मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के पार्ट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स उसकी प्रोपोर्शनल होगी और एंगल उसके इक्वल रहते थे, यहाँ पे साइड्स थी तो मैंने सेम रेशियो में ले लिया। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन, व्हिच एम्प्लाइज देखिए एडी की वैल्यू यहाँ से ए से डी तक यहाँ तक ये है आपका वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं उसको, अपॉन ए बी, ए बी आपका ये है वाई इज इक्वल टू डी ई, डी ई आपका ये है 4 मीटर अपॉन बी सी, बी सी आपका ये है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर हाइट थी उसकी, इज इक्वल टू ए
ये एई है, एई के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो एई लिख दो उसको, छोड़ देंगे अपन उसको। अपॉन ए सी, ए सी ये ए सी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, इसको भी ऐसे लिख दो। अब ये तीन पार्ट आ गए, तीन पार्ट में से ये वाले पार्ट की जरूरत नहीं है अपने को, इसको छोड़ दो, ये दो पार्ट ले लो। व्हिच एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ये 4 अपॉन ये 16 लिख लो और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करो। ये डेसिमल हटा दिए अपन यहाँ का, डेसिमल हटाया तो 1 और ये 0। इसको सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 अपॉन 2 बचेगा। ये हो गया आपका x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से x और y में एक रिलेशन मिलेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5y। और थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, ये क्या हो जाएगा, 2x को ही रहने दो, 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो 5y माइनस 2y ये आ गया अपने पास 2x इज इक्वल टू 3y। 2x इज इक्वल टू 3, देखो ये x और y में एक रिलेशन आ गया, 2x इज इक्वल टू 3y आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अपने को डेरिवेटिव लाना है इसको, तो 2x इज इक्वल टू 3y में अपने को dx by dt की वैल्यू मालूम है और dy by dt की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको, वही वाले स्टेप में यहाँ पे ले लिया मैंने, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 सामने आ जाएगा, x का हो जाएगा dx by dt is equal to 3 सामने आ जाएगा, y का हो जाएगा dy by dt, which implies ये 2 into dx by dt की वैल्यू गिवन है अपने को, dx by dt 0.3 मीटर पर सेकंड, 0.3 is equal to ये dy by dt को ही रहने दो और ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, तो 3 नीचे आ गया और इधर dy by dt, ये 3 से 0.3 को 0.1 टाइम कैंसिल कर लो, तो dy by dt 2 का इंटू 0.1 में करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो dy by dt is equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका एक आंसर, dy by dt क्या आया, dy by dt ये आया लेंथनिंग रेट ऑफ इस शेडो, dy by dt उसकी शेडो की लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रही, वो आ गया dy by dt is equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड के रेट से वो लेंथ उसकी बढ़ती जा रही है शेडो। अब दूसरा पार्ट है अपना, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ ए शेडो मूविंग, उसकी शेडो की जो टिप है, ये है उसकी शेडो की टिप, ये किस रेट से मूव, जैसे यहाँ से चला होगा होती है जिस टिप ऐसी आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आ गई, तो किस रेट से मूव हुई, देखो यहाँ से यहाँ तक तो डी एक्स बाई डी टी के रेट से मूव हुई वो, और यहाँ से यहाँ तक डी वाई बाई डी टी के रेट से मूव हुई, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, डायरेक्ट कर लो इसको, एंड मूविंग रेट, मूविंग रेट of tip of his shadow, moving rate of tip of his shadow is equal to dx by dt plus dy by dt, दोनों को plus कर देते हैं, dx by dt की value, dx by dt की value है 0.3 meter पर सेकेंड और dy by dt की वैल्यू निकाले अपने 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 दोनों को प्लस करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका दूसरा आंसर है। ऐसे कैलकुलेट करना है, मूविंग रेट ऑफ टिप ऑफ ए शेडो आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड और उसकी शेडो की जो लेंथ है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड के रेट से, ऐसा कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, If vector A is equal to ik minus jk plus 7 kk and vector B is equal to 5 ik minus jk plus lambda kk, then find the value of lambda. Show that the vectors vector A plus vector B and vector A minus vector B are orthogonal. देखिए वेक्टर A और वेक्टर B की वैल्यू दी हुई है, तो आपको ये जो लैम्डा दिख रहा है आपको मिसिंग, इस लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना, और कैसे कैलकुलेट करना है कि A प्लस B वेक्टर और A माइनस B वेक्टर ऑर्थोगोनल दिए हुए। देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के साथ में, एक वेक्टर ऐसा जा रहा होगा और एक वेक्टर ऐसा,
ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर रहते हैं तो अपने पास में कंडीशन है कि उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए है आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस सेवन के कैप, प्लस वेक्टर बी है आपका फाइव आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, विच इज इक्वल टू ये आई कैप प्लस फाइव आई कैप सिक्स आई कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप और माइनस जे कैप माइनस टू जे कैप, माइनस टू जे कैप सेवन के कैप प्लस लैम्डा के कैप, में से के कैप कॉमन निकाल लेते हैं तो प्लस सेवन प्लस लैम्डा और ये के कैप, ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। ऐसे ही आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लो, एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वेक्टर ये है और उसमें से बी वेक्टर को माइनस करो, ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस सेवन के कैप, और बी वेक्टर को माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस फाइव आई कैप माइनस जे कैप का प्लस जे कैप हो जाएगा और प्लस लैम्डा के कैप का माइनस लैम्डा के कैप, इसको भी प्लस माइनस कर लो, आई कैप माइनस फाइव आई कैप माइनस फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेवन के कैप और लैम्डा माइनस लैम्डा के कैप में से के कैप कॉमन निकालेंगे तो प्लस यहाँ सेवन माइनस लैम्डा और ये के कैप, ऐसा आ गया। देखिए दोनों वेक्टर आ गए और ये दोनों वेक्टर कैसे दिए, ऑर्थोगोनल दिए या परपेंडिकुलर दिए, तो इनके डॉट प्रोडक्ट को अपन जीरो रखते हैं। सेंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल का मतलब आप याद रखिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है देन क्या कंडीशन बनती है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों की वैल्यू अपने पास में दोनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू ये 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा इंटू k कैप डॉट, ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू ये वाली माइनस 4i कैप प्लस 7 माइनस लैम्डा k कैप इज इक्वल टू जीरो, आराम से वैल्यू रखना। अब देखिए यहाँ बीच में डॉट लगा हुआ है तो आई केप के कोफिशिएंट से आई केप के कोफिशिएंट में करो, जे केप के कोफिशिएंट से जे केप के कोफिशिएंट में, और के केप के कोफिशिएंट से के केप के कोफिशिएंट में, और बाकी को छोड़ दो बाकी जीरो हो जाए। तो देखो यहाँ आई केप के कोफिशिएंट 6 है या माइनस 4 है तो 6 4 जा माइनस 24 हो जाए, जे केप का कोफिशिएंट माइनस 2 यहाँ जे केप है ही नहीं तो जीरो हो गया छोड़ दो उसको, के केप का कोफिशिएंट 7 प्लस लैम्डा और यहाँ पे के केप का कोफिशिएंट 7 माइनस लैम्डा, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा, अभी बना देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू निकालना अपने को, माइनस 24 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये 49 में से 24 माइनस करेंगे 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 और 4 माइनस 2 करेंगे तो 25 और माइनस लैम्डा स्क्वायर को इधर सेट कर लो तो प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो प्लस माइनस 5, दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5, यही आपके रिक्वायर्ड लैम्डा की वैल्यू होगी जिसके लिए वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी और वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है, तो ऐसे कर लेंगे आप इसको, ठीक है। इसी का और वाला क्वेश्चन है, आपको एक करना है एग्जामिनेशन, दोनों नहीं करना, मैं आपको दोनों करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 का और है,
find the direction ratios and direction cosines of a line parallel to the line whose equations are 6x minus 12y is equal to 3y plus 9 is equal to 2z minus 2. देखिए एक लाइन दी हुई है, इसके पैरेलल जो लाइन होगी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी बताना है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस भी बताना है। तो पहले हमको इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है उस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले इस लाइन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, 6x माइनस 12, यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2z माइनस 2 में से 2 कॉमन निकाल लो, तो z माइनस 1 ऐसा आ गया। अब देखो ये 6 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा, तो 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, तो इसको 6 से डिवाइड कर देते अपन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। डिवाइडिंग बाय 6 कर लो, डिवाइडिंग बाय 6, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस 1 अपॉन 6। ये 6 कहाँ से आया, हमने 6, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, तो 6 आया, 6 से डिवाइड करते रहे इसको, तो ये 6 से 6 कैंसिल, ये 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6, एक लाइन मिल जाएगी अपने को x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 3। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन मिल गई, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1, माइनस माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये एक लाइन आ गई थ्री डायमेंशनल में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब ये जो लाइन है इसकी जो पैरेलल लाइन होगी उस लाइन के हमको डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगी, जैसे ये वाली लाइन ये है, इसके पैरेलल लाइन ये होगी, है ना, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज भी वही होंगे जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या होती है, इनके बीच की डिस्टेंस कम करते जाएंगे आप, तो इसी लाइन के ऊपर भी आ सकती है, पैरेलल लाइन और कोलिनियर लाइन सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं इसी के पैरेलल लाइन लिखना है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी डायरेक्शन रेशियोज भी आपकी यही वाली होगी, 1 2 3 छोड़, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन विल बी, ये जो लाइन है इसी के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी डायरेक्शन रेशियोज यही होगी, 1 2 और 3, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। ये एक पार्ट तो हो गया इसका, हमको क्या करना था कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन हूज इक्वेशन आर दिस, इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज लिखना था, तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए उसके। अब डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो इसी की हेल्प से अपन इसकी डायरेक्शन कोसाइन भी लिख लेते हैं इसी लाइन की, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब लिख लो इसकी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन डी सी एस बोलते डायरेक्शन कोसाइन को, ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 415, 5 प्लस 9 14, 1 अपॉन 14 आ गई l की वैल्यू। ऐसे ही m और n भी लिख देते हैं, m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये भी निकाले अपन ने, अंडर रूट 14, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, अंडर रूट 14, एंड n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है आपकी 3 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट 14, बस ये आ गई आपकी डायरेक्शन कोसाइंस।
वन अपॉन अंडर रूट 14, टू अपॉन अंडर रूट 14, थ्री अपॉन अंडर रूट 14, ये जो लाइन थी इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी डायरेक्शन रेशियोस ए बी सी की वैल्यू 1, 2, 3 और उसकी डायरेक्शन कोसाइन्स 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इफ y into under root 1 minus x square plus x into under root 1 minus y square is equal to 1, then prove that dy by dx is equal to minus under root 1 minus y square upon 1 minus x square। देखिए ये एक कंडीशन दी हुई है तो हमको dy by dx is equal to इतना प्रूव करना है। तो पहले मैं ये कंडीशन ले लेता हूँ, क्या कंडीशन है, y into under root 1 minus y into under root 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए अभी देखो ये अंडर रूट के साइन दिख रहे हैं, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इधर 1 भी है, इधर कभी 1 नहीं रहता तो अपन इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता हो, लेकिन 1 है, दो दो टर्म आ जाएगी तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा या लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए ये जो x दिख रहा है इसको मैं साइन ए सपोज कर लेता हूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर तो कॉस स्क्वेयर लिख के अपन अंडर रूट के बाहर करेंगे तो कॉस हो जाएगा, और ये जो वाई स्क्वेयर दिख रहा है या वाई दिख रहा है तो वाई को साइन बी ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी से 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी को कॉस स्क्वेयर भी लिख देंगे और कॉस स्क्वेयर बी को अंडर रूट के बाहर करेंगे तो कॉस भी आ जाएगा। तो एक्स के प्लेस पे साइन ए सपोज कर लो और वाई के प्लेस पे साइन बी सपोज कर लो तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू साइन ए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a को ही रहते हो, साइन को इधर शिफ्ट कर लो, साइन इनवर्स x, एंड y इज इक्वल टू साइन b सपोज कर लो, विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा। ये मैंने वैल्यू निकाल के रख लिया a और b, अब रख देते हैं इसके अंदर तो अंडर रूट हट जाएंगे अपने, देयरफॉर y की वैल्यू सपोज किए साइन b, साइन b इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू सपोज की है साइन ए, तो ये एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, 1 माइनस वाई स्क्वेयर, वाई की वैल्यू साइन बी है तो वाई स्क्वेयर आपका साइन स्क्वेयर बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको और सॉल्व करो, ये साइन बी, ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए को कॉस स्क्वेयर ए लिख सकते हैं, आइडेंटिटी अपने पास में साइन स्क्वेयर डीटा प्लस कॉस स्क्वेयर डीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर डीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर डीटा, तो डीटा के प्लेस पे ए है तो कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर ए प्लस ये साइन ए को ऐसे रहने दो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी को कॉस स्क्वेयर भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, इसको अंडर रूट के बाहर कर लो, कॉस स्क्वेयर ए को बाहर करेंगे तो कॉस हो जाएगा, साइन बी कॉस ए प्लस ये साइन ए, कॉस स्क्वेयर बी को बाहर करेंगे तो कॉस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1। देखो अगर इसको सीक्वेंस में लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो फॉर्मूला बन जाएगा, पहले ये वाली टर्म को लिख लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन गई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब इधर साइन दिख रहा था, ये 1 साइन में किसकी वैल्यू थी, साइन 90 की वैल्यू होती, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं 1 को, साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू। अब ये दोनों साइड में साइन है तो साइन से साइन को एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब ए की और बी की वैल्यू है अपने पास में, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, बस ऐसा आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा आसानी से। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा और dy by dx का इंटू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा dy by dx का, क्योंकि y वाला फंक्शन है
वाई वाले फंक्शन को केवल डी बाय डी वाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वाई के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स वाई का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स का इंटू करना पड़ेगा क्योंकि अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। वाई वाली क्वांटिटी को सिर्फ डी बाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए डी बाई डी एक्स का इंटू कर दिया। इज इक्वल टू पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट है तो जीरो। ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लो तो विच एम्प्लाइज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ये माइनस आ गया अपने, माइनस चाहिए अपने को, ये नीचे का ये भी आ गया, ये वाली टर्म को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। इनको एक ही अंडर रूट में डाल लो दोनों को, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो यही आपको प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर। हैंस प्रूफ लिख दो, हैंस प्रूफ। देखिए सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स। मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स फाइंड आउट करना, इफ वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, वेयर ए इज अ यूनिट वेक्टर। ए कोई यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मॉडुलस या इसका मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जहां आएगा उसको 1 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को ले लेता हूं, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ डॉट लगा तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर एक्स का वेक्टर एक्स में इंटू करेंगे तो वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स का प्लस वेक्टर ए में करेंगे तो प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर ए का करेंगे डॉट लगा के एक्स में तो माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, फिर माइनस वेक्टर ए का वेक्टर ए में डॉट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 12, विच एम्प्लाइज ये वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स को मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ये फॉर्मूला अपने पास, सेंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर है ये फॉर्मूला। तो ये वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स था तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट ए और ये ए डॉट एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिखता हूं मैं पहले, प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए और ये ए डॉट वेक्टर एक्स को अपन वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ये माइनस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को इससे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये x डॉट वेक्टर a पॉजिटिव, x डॉट वेक्टर a नेगेटिव कैंसिल्ड, व्हिच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ वेक्टर x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर। तो वेक्टर a यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर लिख देता हूं इसको, ये 1 स्क्वायर लिख देता हूं मैं, सेंस मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर है इसलिए है ना यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो ये इसका स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल टू 12। मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर शिफ्ट करते हैं तो ये 12 प्लस 1 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 13। अब देखिए अपन ने लिए तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट है तो प्लस माइनस का साइन लेना था, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है इसलिए मैग्नीट्यूड को मैंने केवल पॉजिटिव साइन के साथ लिया, नेगेटिव साइन नहीं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट 13। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका सेक्शन बी डॉट।